जब आपके लंग्स पर आई और ये कोरोना ने की तबाही, तब आपने सबकी दी दुहाई, है ना सच बात। और अंदाजा लगाइए कि ये कितना घिनौना हो गया है जब हम इसकी कल्पना करें कि ये पूरा जग जिसका लंग्स यानी उसके ट्रीज, उसके झाड़ जंगल, जितने पौधे हैं, ये हरियाली, ये सब आधे हो गए हैं। और ये आधे होने के कारण हो सकता कि हम अगर कोरोना का शिकार नहीं हो रहे होते तो बहुत जल्द हमें प्रकृति का शिकार भी होना होता। और ये ऐसा अगर नहीं हो रहा है अभी, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होगा। यकीनन आने वाले दिनों में हम प्रकृति की मार और कठोरता से सहेंगे, क्योंकि हम प्रकृति की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और कोरोना इसका हिस्सा डेफिनेटली है। मैं अक्सर क्लासरूम में अपने बच्चों से कहता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये तमाम पेड़ इस धरती पर नहीं रहेंगे, तो हम सिलेंडर अपने कंधे में लिए अपनी सुरक्षा, सांस के लिए जीना है और उस सांस के लिए जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो सिलेंडर के ज़रिए ले रहे होंगे। और हम यदि एक दिन उस समय जब हमारा सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर ख़त्म हो जाएगा, उस दिन हम दूसरों के सिलेंडर की तरफ नज़र रखेंगे और क्या पता हम उनकी हत्या भी कर दें। आज का सिचुएशन वो सिचुएशन से जो अक्सर मैं क्लासरूम में बोला करता था, और आज मैं सच्चाई के रूप में देख रहा हूँ कि अगर एक पेशेंट को ऑक्सीजन, शायद वो ख़त्म होने वाला है, तो उसका ऑक्सीजन रोक कर दूसरों को दिया जा रहा है। और ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम, जिस ऑक्सीजन को डिस्टिल वाटर के तहत यूज़ करना चाहिए था, डिस्टिल वाटर यूज़ करना चाहिए था, उस सिलेंडर के अंदर में वो गंदा पानी है, वो यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से एक नई बीमारी पैदा हुई है और उसे हम ब्लैक फंगस कह रहे हैं। और आने वाले दिनों में जिस तरह से हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो स्टेज 3 आने वाला और भी बर्बर हो सकता है। स्टेज 1 तो बड़ा फिलोसफिकल था साहब, जब हमने तालियां बजाई, हमने दिए जलाए और क्या क्या किया, हाँ, मगर एक सच्चाई वहाँ वो थी कि हमने एटलीस्ट आइसोलेशन देखा, हम लोग घर से बाहर नहीं निकले। लेकिन स्टेज 2 आते आते, कहते हैं ना, रियलिटी बाइट्स, वही हुआ। सच्चाई जब आंखों के सामने आई तो हमें कहीं का ना छोड़ी। आज इंसान की वैल्यू कुछ भी नहीं लग रही है, क्योंकि जो बर्बरता और डर इस पूरे एनवायरनमेंट में आया है, वो शायद हमने आज तक कभी नहीं देखा, ना ही इसका अंदेशा था। बट एक बात तो तय है, स्टेज 3 आएगा और वो भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि म्यूटेंट्स अभी अपनी वैरायटी दे रहे हैं। तो इसमें हमें साइकोलॉजिकली ज़्यादा बेहतर होना होगा, हमें इम्यूनिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना होगा। और अगर ये दोनों रखते हैं हम, तो हम प्रिवेंटिव की तरफ जब डेफिनेटली रह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्रीटमेंट जो डॉक्टर कर रहे हैं वो नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है और उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ आज एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसकी तैयारी तो मेडिकल फ्रेटर्निटी भी नहीं था, इसकी तैयारी तो हमारा रिसर्च भी नहीं था, इसकी तैयारी में तो ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था जो हमें बचा सकता। ये पूरा का पूरा कोलैप्स हो रहा है। बट मान लीजिए एक बात कि यदि आप बचना चाहते हैं, तो वैक्सीनेशन ही एक कारगर स्वरूप साबित हो रहा है। और जो भी वैक्सीनेशन से परे हैं, अब तक अछूते हैं, उन्हें इस पर डेफिनेटली गौर करना चाहिए। क्यों, जानिए एक वीडियो जो एक डॉक्टर हमें बता रहे हैं। सबसे दुर्बल जो है, तो बिल्कुल बना हुआ वायरस, वो इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। अब अपने शरीर में क्या होता है, एंटीबॉडीज होती है, मतलब WBC जो रहता है ना, एक होता है RBC, एक होता है WBC। WBC क्या करता है, मतलब अपन समझते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे ही कोई भी नई चीज अपने शरीर में आती है, वो फट से एक्टिव हो जाता है। जैसे ऐसा समझ लीजिए, यहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स है, और जैसे कोई देखा बाहर से आदमी आ रहा है, अपन एक्टिव हो जाते हैं ना कि यार घेरा बना हुआ है, कौन आदमी बाहर से आ रहा है। ऐसे ही अपने शरीर में कुछ भी चीज नहीं जाती है, तो फटाफट WBC एक्टिव होकर अटैक करता है उस पर। अब जब उस वायरस पर अटैक होता है, दोनों लड़ते हैं, शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, और उसी का रिजल्ट क्या होता है, फीवर आना। तो मैं कह रहा हूँ, यदि फीवर आ रहा है, बहुत अच्छी चीज है। इसलिए अपने यहाँ तो बच्चे लोग, छोटे बच्चे लोग हैं, जब भी अपन ले आते थे, डॉक्टर बोलते थे ना, ये टीका लगा लो, चिंता मत करिएगा, हो सकता है फीवर है। फीवर क्यों आ रहा है, पोलियो का अपन जो करते हैं, पोलियो खुराक मतलब क्या, या जो भी अपन जो काली खांसी, मुपिन कफ वगैरह जो भी टीका लगाते हैं, इसका मतलब उस बीमारी का वायरस इंजेक्ट इसलिए करते हैं। लेकिन सीधे वायरस नहीं,
बिल्कुल दुर्बल, ताकि अपनी में जो है WBC उसको अटैक करे, और अटैक करने का मतलब ही जो धीरे धीरे बनता है वही कहलाती है एंटीबॉडी। पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज कि इसमें कुछ लोग ये कहेंगे उसको लग गया टीका फिर फीवर आ गया तो बेकार है। शुक्ला जी बताइए, अपन ने देखा कि ये बीमारी तो आपको पता है टीका लग खोजने में कई बार 8-10 साल लग जाते हैं। पोलियो की दवाई आने में पूरा पोलियो 20 साल लगे हैं, तो ये तो एक साल में आपने कर दिया। अब इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज अचानक डेवलप नहीं होती। तो दो टीके का अपन क्यों कह रहे हैं, पहला टीका लगाया आपको फीवर आया, इसका मतलब आपके इसमें कोरोना का वायरस गया, WBC को पता चला, अटैक हुआ, लड़ाई हुई, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, फीवर आया, इसका मतलब डेवलप। 28 दिन तो ये लग जाएंगे। फिर उसके बाद होता है बूस्टर डोज, यानी जो इम्यूनिटी उसको बूस्ट करना। ओके, अपन ने फिर से दूसरा टीका लगाया, फिर इसके 28 दिन बाद जब आप टेस्ट कराओगे कि एंटीबॉडीज बनी कि नहीं, तब आपको पता चलेगा कितने परसेंट बना। इसका पहला डोज या इसका दूसरा डोज, जैसे भी डोज होगा, ये आपको विस्तार रूप से इस वीडियो में समझाया गया है। अब आप तय कर सकते हैं कि पहला डोज और दूसरा डोज आपको कब लेना है और क्यों लेना है। आपको ये वैक्सीनेशन डेफिनेटली लंग्स कोलैप्स के कगार पर नहीं लेके जाएगा, आपको वेंटिलेटर तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए आपको वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी है। स्टेज 2 आ रहा है, ये दस्तक देकर नहीं आ रहा था, और स्टेज 3 की तैयारी करना है तो हम सबको हमारे इम्यूनिटी पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। इम्यूनिटी के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोरोना वायरस के कारण इन दिनों इम्यूनिटी बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है हमें, और स्टेज 3 की तैयारी के लिए तो अति आवश्यक। तो हम क्या कर सकते हैं, शरीर के अंदर एक रक्षा प्रणाली होती है जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। बार बार किसी प्रकार के संक्रमण या फिर मौसमी एलर्जी से ग्रसित होने का मतलब होता है कि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए हम कुछ बातों पर ध्यान तो दे ही सकते हैं, और वो अति आवश्यक बातें ये है कि सुबह जल्दी उठ सकते हैं हम, और सुबह उठने का मतलब ये है कि हम शुद्ध हवा, जो ऑक्सीजन हमें फ्रेश मिलती है, सबसे अच्छी मिलती है, वो सुबह का समय ही होता है। और यदि हम सुबह के समय जल्दी उठकर व्यायाम करें तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम सेवन कर सकते हैं। अगर आपको योगासन या प्राणायाम के बारे में जानकारी है तो आप कृपया वो कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं और आपने करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आप उस चीज़ के लिए तैयार हो जाइए जिस विषय में आज ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। शुद्ध हवा जब आपके शरीर में जाएगी तो आपका खून भी शुद्ध होगा। आपको मालूम है कि प्योर ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जितने भी एंड ऑर्गन के पास जाएगा, हर सेल को जाएगा, तो उतने ही सेल मुस्तैद रहेंगे लड़ने के लिए। ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म पे डेफिनेटली कारगर साबित होगा, मजबूती देगा। इसके बाद अगर आप मेडिटेशन कर सकें तो कर लीजिएगा, क्योंकि मेडिटेशन से दिमाग में मौजूद सभी प्रमुख ग्रंथियां अपना काम सुचारू रूप से करती है, और हार्मोन्स, जो करेक्ट हार्मोन्स होते हैं, उसका प्रवाह हमारे बॉडी में, ब्लड में बराबर प्रभावित करती है। अंदर का जो इम्यून सिस्टम है वो तनाव से दूर रखें, इसलिए हार्मोन्स को भी कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैं आपको एक वीडियो तक पहुंचाना चाहता हूं। इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये एक डॉक्टर है, और ये प्राणायाम या योग या फिर ओमकार, इससे अगर आप उच्चारित करते हैं तो कैसे वो जो नाइट्रिक ऑक्साइड पाया जा रहा है इन्हेलर में, वो नेचुरल रूप से आपके अंदर से भी निकल सकता है, इसको भी आप प्रभावित कर सकते हैं और इम्यूनिटी को सक्षम बना सकते हैं। हरिओम, आई एम गंधार मंडलिक, representing a yoga organization called Yoga Vidya Gurukul, and I am also a PhD student in Faculty of Medicine at the University of Sydney in Australia. The COVID-19 outbreak, pandemic all over the world, everyone is trying to find some solutions. Recently, a Canada-based company called Sanotize brought a nasal spray of nitric oxide in the market. A clinical trial in the United Kingdom indicated that this nitric oxide nasal spray is very effective in getting rid of the virus
from the nasal passage. Within 24 hours of the application of this spray, the virus goes down by 95%, and in 72 hours, the virus has shown to reduce by 99%. Now, this nitric oxide is produced by our body also. It's produced in the nasal passage, it's produced in the inner lining of our blood vessels. It has a role as antiviral, and also it plays a significant role in dilation of our blood vessels. It connects with the circulatory system and heart health. But more importantly, the role of nitric oxide in this COVID pandemic is interesting and important considering the clinical trial. Another study has also pointed out that if you are given nitric oxide, then it works in mild COVID infection or moderate or severe infection, where it reduces the severity, it improves the healing time, and also even if people are on ventilator, the nitric oxide is shown to improve the condition of the patient. Now, some other studies in the past have indicated that if we create humming sound, such as the sound of Bhramari, where you just create a humming sound, or the chanting of Om, even one sound can produce nitric oxide. और एक बात, हम सब ये अच्छे से जानते हैं कि अगर हम हंसते हैं तो शरीर के लिए लाभकारी है. मेडिकल साइंस के मुताबिक हंसने के दौरान हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स हार्मोन्स बनते हैं, जिससे हम पॉजिटिव फील करने लगते हैं. इसी दौरान हमारे शरीर में एंटीवायरस के कोशिकाएं भी तेजी से बनती हैं और हमारा इम्यून सिस्टम और मजबूत बनता है. कम पानी पीने से हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आप पानी 7 से 8 ग्लास ज़रूर पिए, उतनी मात्रा में तो पीनी ही चाहिए हमें. उतना पानी पीने से शरीर में जमी हुई कई तरह के विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं. रोज़ाना अगर आप बादाम खा सकते हैं, भिगो के खा सकते हैं, तो खाइए, क्योंकि बादाम में भिगा हुआ बादाम सुबह के समय खाने से दिमाग को तनाव से लड़ने की शक्ति मिलती है. विटामिन ई जो होता है, या विटामिन ई का आप अलग से सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक तौर से पाए जाने वाले या तो बादाम में या फिर आप सप्लीमेंट के रूप में अगर लेते हैं तो आपके सेल्स को बढ़ाने में मदद करता है, जो अगेन इम्यून सिस्टम को और मजबूती देगा. और एक खास बात, विटामिन सी का सेवन कर सकते हैं हम नेचुरल फॉर्म में, नींबू हो या फिर संतरा हो या फिर आंवला हो, आप जिस किसी तौर पे इसका सेवन कर सके प्लीज़ कीजिएगा, क्योंकि विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देता है और एट द सेम टाइम इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है. इसके अलावा मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोग RT-PCR सेकेंड टाइम करने जा रहे हैं, कृपया मत कीजिएगा, क्योंकि RT-PCR जो आप सेकेंड टाइम कर रहे हैं, इसमें जो कोविड के लिए टेस्ट की जाने वाली जो किट होती है वो किट ज़ाया जाती है, वो बेकार जाती है, क्योंकि वो बनाई गई है एक बार अगर पॉजिटिव पाया गया है तो उसको ट्रीट करने के लिए. और 94%, जैसे कि पिछले वीडियो में बता रहा था मैं, 94% घर में ही रहकर ट्रीटमेंट लेकर ठीक होते हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे. लेकिन अगर आप एंजाइटी और स्ट्रेस लेंगे, मस्तिष्क पर लेंगे ये सब चीज़, तो कभी नहीं होने वाले. कंट्रोल ही एक बहुत बड़ा मेजरमेंट है आगे के लिए. प्रिवेंटिव मेजर्स आप लेंगे तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे और आप लंबे समय तक टिके रहेंगे. अपना ख्याल रखिए, मजबूती रखिए, शांत रखिए अपने मस्तिष्क को, और कोशिश कीजिए कि आप तमाम उन खबरों से दूर रहें जो नेगेटिव है. ख्याल रखिएगा. धन्यवाद.